हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। यदि तुमने यह संपूर्ण महायुद्ध देखा है तो यह भी अवश्य देखा होगा कि इस भीषण युद्ध में किस परमवीर योद्धा ने अपने महान पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन किया है। हाँ बताओ बर्बरिक, किसने कितना संहार किया है? तुम फिर इतना हंस क्यों रहे हो बर्बरिक? हंसने जैसी तो बात है देवी। क्यों, क्या युद्ध के बारे में पूछना हंसने जैसी बात है? क्षमा कीजिए देवी, युद्ध में पराक्रम दिखाना योद्धाओं के लिए गौरव की बात होती है, परंतु इस महायुद्ध में मैंने किसी को भी पराक्रम दिखाते हुए नहीं देखा। जो तुमने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है वो किसी और ने नहीं देखा है, परंतु इस सत्य को अब ना बताना यही उचित होगा। नहीं प्रभु, सत्य को छुपाना झूठ कहने के बराबर होता है और झूठ कहना पाप है, इसलिए मुझे सच कहने की आज्ञा दीजिए प्रभु। हे सत्य वचना बर्बरिक, हमें बताओ कि तुमने इस महायुद्ध में वो कौन सा सत्य देखा है, बताओ। इस युद्ध में मैंने एक ऐसा चमत्कार देखा है महात्मन, जो सबकी आंखों से छुपा था। चमत्कार? इस युद्ध में मैंने केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र देखा है, जो सारे अधर्मियों का संहार कर रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच नहीं, बल्कि सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच हो रहा था। महायुद्ध की समाप्ति के बाद पांडव द्रौपदी श्री कृष्ण के साथ बर्बरिक के पास आए तो बर्बरिक का सिर व्यंग से हंस रहा था। प्रणाम प्रभु, प्रणाम देवी, प्रणाम धर्मात्माओं। वत्स बर्बरिक, तुम किस बात पर इतना हंस रहे थे? प्रभु, मुझे हंसी सारे संसार पर आती है, सांसारिक लोगों की मूर्खता पर हंसी आती है, जो केवल दिखावे और शोभा के लिए अनायास ही दूसरों के पापों को अपने सिर पर उठाए फिरते हैं। महाराज युधिष्ठिर का अश्वत्थामा की मणि को अपने मुकुट में धारण करना इसी सत्य का उदाहरण था, जिसे देखकर मैं अपनी हंसी को रोक न सका प्रभु। महाराज युधिष्ठिर, यदि मेरी हंसी से आपका अपमान हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। नहीं बर्बरिक, इसमें कोई अपमान नहीं है, यह तो कड़वा सत्य है, पर है तो सत्य और सत्य ही धर्म है। आज तुमने धर्मराज को धर्म की सीख दी है तो इसमें भला अपमान कैसा? मैं तो तुम्हारे इस उपकार के लिए तुम्हारा आभारी हूं बर्बरिक। और मैं प्रभु श्री कृष्ण के उपकार के लिए आभारी हूं, जो उन्होंने मुझे इस युद्ध को अपनी आंखों से देखने का अवसर प्रदान किया, अन्यथा युद्ध के ऐसे अनोखे दृश्य से मेरी आंखें वंचित रह जाती। हाँ, ये युद्ध महापराक्रम के प्रदर्शन का युद्ध था, ऐसा युद्ध न कभी हुआ है और न कभी होगा। हे वत्स बर्बरिक, यदि तुमने यह संपूर्ण महायुद्ध देखा है तो यह भी अवश्य देखा होगा कि इस भीषण युद्ध में किस परमवीर योद्धा ने अपने महान पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन किया है। हाँ बताओ बर्बरिक, किसने कितना संहार किया है? तुम फिर इतना हंस क्यों रहे हो बर्बरिक? हंसने जैसी तो बात है देवी। क्यों, क्या युद्ध के बारे में पूछना हंसने जैसी बात है? क्षमा कीजिए देवी, युद्ध में पराक्रम दिखाना योद्धाओं के लिए गौरव की बात होती है, परंतु इस महायुद्ध में
मैंने किसी को भी पराक्रम दिखाते हुए नहीं देखा। यह कहकर तुम हम पांडवों के बल, पराक्रम और शौर्य का अपमान कर रहे हो बर्बरिक। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं वीर नकुल। मैंने इस युद्ध में जो देखा है उसी सत्य को दोहरा रहा हूं। नहीं बर्बरिक, नहीं, जो तुमने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है वो किसी और ने नहीं देखा है। परंतु इस सत्य को अब ना बताना यही उचित होगा। नहीं प्रभु, सत्य को छुपाना झूठ कहने के बराबर होता है और झूठ कहना पाप है, इसलिए मुझे सच कहने की आज्ञा दीजिए प्रभु। यदि मैं ये सच नहीं बताऊंगा तो संसार इस युद्ध के सत्य को जान नहीं सकेगा। परंतु ऐसा कौन सा सत्य है जो हम इस युद्ध को लड़कर भी नहीं जान सके? है, बहुत ही गहरा सत्य है। हे सत्यवचना बर्बरीक, हमें बताओ कि तुमने इस महायुद्ध में वो कौन सा सत्य देखा है, बताओ। इस युद्ध में मैंने एक ऐसा चमत्कार देखा है महात्मन, जो सबकी आंखों से छुपा था। चमत्कार? और युद्ध भूमि में? हाँ देवी, मैंने युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की लीला देखी है, अनोखा चमत्कार देखा है। इस युद्ध में मैंने केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र देखा है, जो सारे अधर्मियों का संहार कर रहा था। मैंने देखा कि भीष्म अर्जुन के बाणों से घायल हुए हैं, परंतु वो गिरे हैं तो प्रभु के सुदर्शन चक्र के प्रहार से, जो आखिर में उनके पास आता है और भीष्म रथ से नीचे गिर जाते हैं। यही चमत्कार जयद्रथ के वध के समय भी मैंने देखा। और द्रोणाचार्य का वध भी सुदर्शन चक्र नहीं किया था। धृष्टद्युम्न तलवार से वार करने जाते हैं, लेकिन सुदर्शन चक्र प्रकट होता है और द्रोणाचार्य का सिर काटता है। दानवीर कर्ण का वध भी प्रभु के सुदर्शन चक्र द्वारा ही हुआ था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच नहीं, बल्कि सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच हो रहा था। प्रभु श्री कृष्ण ने सत्य, न्याय और धर्म का नेतृत्व करते हुए अधर्म का संहार किया है और पांडवों के रूप में धर्म को विजय दिलाई है। हे श्याम सुंदर, तुम्हारी लीला अपरंपार है, अपरंपार है। प्रभु, आपकी लीला देखकर मैं धन्य हो गया हूं। आपकी अमृतवाणी ने जो गीता कही वो मैंने भी सुनी
और मेरी आत्मा तृप्त हो गई। जन्मों जन्मों की तपस्या के बाद भी धर्मात्माओं को और महात्माओं को आपके दिव्य विराट स्वरूप का दर्शन नहीं हो पाता, परंतु मैं वो भाग्यशाली हूं जिसे आप ही की अपरंपार कृपा के कारण आपके दर्शन प्राप्त हुए। मेरी आंखें तृप्त हो गई। प्रभु, आपके विराट स्वरूप में इतना तेज था कि मानो हजारों सूरज एक साथ चमक रहे थे, परंतु आपका दिव्य चतुर्भुज रूप चंद्र के समान शीतल था। आपके इन दोनों रूपों को देखकर मैं आपका अनुग्रहित हुआ हूं। प्रभु, अब मुझे केवल परमधाम प्रस्थान करने की प्रतीक्षा है, परंतु इससे पहले हे भक्तवत्सल्य, हे जगत नायक, मैं आपके दिव्य चतुर्भुज रूप में समा जाना चाहता हूं। तथास्तु।